बिहार में शिक्षा तंत्र के नियमों को ताक पर रखकर फर्जी टॉपर्स की फैक्ट्री चलाने वाले बच्चा राय की रिहाई के दरवाजे बंद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर टॉपर्स घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी। बिहार सरकार की याचिका में कहा गया था कि बच्चा राय ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को खराब किया है, जिससे आम जनता में बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर गलत संदेश आ रहा है। ऐसे में बच्चा राय की जमानत रद्द की जाए। इससे पहले 14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने राय की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब देने को भी कहा था। गौरतलब है कि बच्चा राय पर आरोप है कि उसने छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन केंद्र बदलवाया, छात्रों की परीक्षा की कॉपी को किसी और से लिखवाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बच्चा राय अभी जेल में ही रहेंगे, लेकिन जब तक ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं सुनाई जाएगी, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।